बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड्रॉयड सॉफ्ट में खुशांदीद। आज हमारे साथ है AT&S मोबाइल। ये सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद डेट हो चुका है, ठीक है। तो अब पहले हम इसको डिसेंबल करेंगे, UEFI के ज़रिए इसको करेंगे, सही है। आप इसको सेक्टर फाइल के साथ भी कर सकते हैं, न्यू सॉल्यूशन सेक्टर फाइल है, ठीक है। तो पहले इसको ओपन करेंगे, फिर ISP पे नोट्स लगाएंगे, UEFI बॉक्स के साथ कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। AT&S अपडेट में भी डेड हो जाते हैं और फ्लशिंग के दौरान भी ये डेड हो जाते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, ये आसानी के साथ रिपेयर हो जाते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट EMMC ISP अडाप्टर में क्लिक करेंगे, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए हमारा मोबाइल सक्सेसफुली आइडेंटिफाई हो चुका है। आप AT&S मॉडल देख रहे हैं, बूट वन पार्टीशन इज एनेबल फॉर बूट, ये भी सही है, लेकिन पेयर भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम फैक्ट्री इमेज में जाएंगे और हमें ज़रूरत पड़ती है इसमें डम फाइल की ज़रूरत ही नहीं है, हम जो फिलहाल लेटेस्ट वर्जन है डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए इसका लेटेस्ट वर्जन हमने डाउनलोड किया है और PIT फाइल को सिलेक्ट करेंगे। इसमें आप जो भी वर्जन डाउनलोड करते हैं उसमें PIT नहीं होता, ठीक है। ये 24 पे लगा लेते हैं और राइट कर लेते हैं। PIT नहीं होता तो PIT को CSC फाइल से निकाल दिया करें, सही है। CSC फाइल को ओपन करें विद 7-Zip और उनसे PIT फाइल निकाल लें। बाज़ औक़ात लोग सोचते हैं कि यार PIT फाइल तो इसके साथ नहीं है, PIT फाइल CSC फाइल में ऑलरेडी होता है, ठीक है, उनसे निकाल दें। यहाँ जो हमें ज़रूरत होती है ना वो BL फाइल CPCSE की ज़रूरत होती है। ये भी राइट हो जाए, AP फाइल में फेल भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, फिर ये डाउनलोड मोड में जाएगा और डाउनलोड मोड में हम इसको सैंपल फ्लैश करेंगे, ठीक है। ये AP फाइल स्टार्ट हो रहा है लेकिन मुझे पता है ये फेल होगा AP में, तो कोई मसला नहीं है, AP में फेल होने तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम मोबाइल को ऑन करेंगे तो ये डाउनलोड मोड में ऑन होगा, उसके बाद हम इसको ओडियन के साथ भी फ्लैश कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह करेंगे इसको। ये देखिए फेल हो गया लेकिन कोई मसला नहीं, ये देखिए मोबाइल डाउनलोड मोड में चला गया, वर्जन वगैरह कुछ भी शो नहीं कर रहा पर डाउनलोड मोड में है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये देखिए मैं लगा दिया, ISP अडाप्टर रिमूव कर दिया, ठीक है। Z3X बॉक्स में यूज़ करूँगा, ठीक है, वही सेम टू सेम वही फाइल जिसके ज़रिए मैंने इसका बूट जो है वो रिपेयर किया है ना, वही फाइल मैंने लगा दिया है, ठीक है। ये देखिए U8 ये भी है और U8 दोनों U8, ठीक है। इसके बाद हम फ्लैश करेंगे, सैंपल फ्लैश हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। जिस भाई को भी कोई मुश्किल हो तो वो कमेंट्स में बता सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में। इसका स्केटर फाइल भी मिल जाता है, उसके ज़रिए आप टेस्ट पॉइंट के ज़रिए आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका MTK पार्ट जो है वो शो हो जाता है। ASP फ्लैश टूल के ज़रिए भी कर सकते हैं, बाकी जितने टूल्स हैं MTK के लिए वो कर सकते हैं, क्योंकि ये MTK डिवाइस है, लेकिन मैंने UEFI के ज़रिए किया है तो मैं यही समझा कि UEFI मेरे लिए बेहतर है। ये देखिए मुकम्मल वही वर्जन फ्लैश करना पड़ेगा और ये फ्लैश हो गया और ये हमारा मोबाइल ऑन हो गया, ठीक है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। इसके लिए हमें कोई डम फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप लोगों ने देखा बे बूट फाइल के ज़रिए CSE AP वगैरह फुल फ्लैश करें, फ्लैश हो जाता है तो सही है, नहीं होता तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। हम अब इसको नेक्स्ट करेंगे, इसका मैं आपको दिखाऊंगा मॉडल्स।
इसका ISP पेनआउट्स के ज़रिए आप FRP भी क्लियर कर सकते हैं, कोड भी रिमूव कर सकते हैं। बाज़ औक़ात MDM लगा होता है तो आप उसको आसानी के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। UEFI के ज़रिए आप कर सकते हैं, लेकिन UEFI में जो डम फाइल का बैकअप होता है ना वो ज़रूर लेना पड़ता है। CAC का CXD का फाइल वो ज़रूरी होता है, boot 1 boot 2 वगैरह, ताकि मतलब FRP या रिसेट करने के बाद सिर्फ नॉन होता है ना तो दोबारा वही फाइल राइट करके आप ऑन कर सकते हैं, क्योंकि बूट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है तो मसला हो जाता है। यदि कि हमारा मोबाइल जो है वो बिल्कुल सही तरीके से ऑन हो गया, ये आइकॉन्स आ गए, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ इसका वर्जन और फाइल भी आपको दिखा देता हूँ, वही फाइल होगा, वही सेम टू सेम फाइल होगा। ये देखिए 10S मॉडल सही है, और इसका जो है वो हम सॉफ्टवेयर वर्जन देखिए U8 सिक्योरिटी आप देख रहे हैं, बिन U8। तो वीडियोस देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।